यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरें अभी तक की टीम आज पहुंच चुकी है पंचकुला के सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में, जहां पर सरस मेले का आगाज हो चुका है। जी हां, काफी धूमधाम से इस मेले का आगाज हुआ है और दूर दूर से लोग यहां पर इस मेले में आ रहे हैं। और सबसे अहम बात कि इस मेले का आयोजन पहली बार यहां पर किया गया है और 12 दिन तक ये मेला चलने वाला है और करीब 15 राज्यों से लोग यहां पर आए हैं मेले की धूम देखने के लिए। खबरें अभी तक की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और इस मेले में क्या कुछ खास है, क्या कुछ और माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रदर्शनियां यहां पर है और क्या कुछ एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा, वो हम आपको आज इस पूरे प्रोग्राम के जरिए दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले लुत्फ उठाते हैं सरस मेले का। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास इस मेले में होने वाला है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, कैमरा मैन से कहूंगी कि कैमरा पैन करके आपको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है देखने को मिल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और मेले की धूम चक्का चौंद और चार चांद यहाँ पर ये जो प्रस्तुतियाँ इस मेले की रौनक में लगा रही है, पहले वो देखिए। तो आपने देखा कि कितनी रौनकें यहाँ पर लगी हुई है। ये आगाज है, पूरा मेला आपको दिखाएंगे और दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, काफी अच्छा माहौल है। तो कहाँ से आपकी टीम आई हुई है और कितने दिन तक आप यहाँ पर प्रस्तुति देंगे? छह दिन रुकेंगे हम यहाँ पर। हमारे ये टीम 6 दिनों तक यहाँ तक आई है और हम नाचने गाने का काम करते हैं। हमारी टीम करनाल के चीफ लेकर आए हैं, धन्यवाद। मजेदार परफॉर्मेंस देखी, आइए अब जानते हैं कि आखिर ये आए कहाँ से हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है। तो कहाँ से आए हैं सबसे पहले आप? पानीपत से आए हैं। तो ये जो प्रस्तुति आप दे रहे हैं, 12 दिन तक ये मेला चलेगा और क्या कुछ खास जो है मेले के बारे में सोच कर? खास तो देख लो, यहाँ नई नई प्रस्तुति चलेगी, नए नए कार्यक्रम होंगे और हमारा बीन बाजार चलेगा। काफी अच्छी आप लोगों ने प्रस्तुति दी है। ये जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लेकर आए? हमारे पास बीन है, तुम्बा है, खंजरी है और ढोल है जी। इसके साथ में मनोरंजन अच्छा करते हैं, बीन कवाली सभी प्रकार की धुने हम बजाते हैं, अच्छी से अच्छी तो सब प्रकार की धुने हमारे बीन के अंदर में बजाते हैं। और ये आज से नहीं, हमारा सदियों से प्रोग्राम चला आ रहा है। हम देश विदेश काफी दूर दूर तक जाते हैं, जैसे सूरजकुंड मेला लगा था, अभी वहाँ भी 15 दिन रहकर आई हमारी पार्टी। ये तो रही परफॉर्मेंस की बात और इस तरीके की जो आपने अभी प्रस्तुति देखी, काफी सारे कार्यक्रम यहाँ पर रोजाना प्रस्तुत किए जाएंगे 12 दिन का ये मेला। इसी के साथ और भी क्या कुछ खास यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ माहौल है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पूरी तरीके से सजा दिया है, म्यूजिक के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, मैदान में कुर्सियां लगा दी गई हैं, लोगों के बैठने का इंतजाम कर दिया गया है। तो इसी के साथ करीबन 200 से 250 स्टॉल जो है लोगों को बांटे गए हैं और यहां पर ये जो स्टॉल्स हैं इनकी संख्या अभी बढ़ भी सकती है। सरस मेले में करीब 250 के आसपास जो स्टॉल हैं वो दिए गए हैं और हर स्टॉल पे अलग अलग चीज जो है वो बेची जा रही है और खूबसूरती हर किसी की अलग है। तो आइए स्टॉल पर चलते हैं और स्टॉल पर बात करते हैं कि कहाँ से कौन आया है और क्या कुछ इनकी स्पेशलिटी है। तो आप कहाँ से आए हैं सबसे पहले? मैं डिस्ट्रिक्ट पंचकूला से ही हूँ, गाँव भरेली है हमारा। तो क्या कुछ ये जो सामान है पूरा
क्या कुछ स्पेशलिटी है? ये तो मैम एक सबसे पहले हमारा हैंडमेडेड है जो हमारा ग्रुप है इकट्ठा होके बना रहा है। ये जैसे की रिंग है, मिरर है, ये वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, और झूमर है, बास्केट है पूजा के लिए, कुर्ते वगैरह है, टेडी बियर है, ये सब हमारी जो महिलाएं हैं ग्रुप में इकट्ठी होके उन्होंने बनाया है। कि पॉलिथीन पर बैन लगाने के लिए सरकार ने कई बार कह दिया है और सख्त भी सरकारी से लेकर नजर आई है, और इसकी पहल यहाँ पर इस मेले में देखने को मिली है। जूट के ये बैग बनाए गए हैं। मैम कहाँ से आई हैं? यमुनानगर से। यमुनानगर से तो क्या कुछ खास आप लेकर आई हैं इस मेले के लिए? झूले वगैरह हाथ से, टेडी बियर हाथ से, थालपोश हाथ से और फ्लावर्स हाथ से बने हुए। जो लेडीज के लिए एक प्लेटफॉर्म ये दिया गया है, उन्हें मुनाफा हो, फायदा हो, आपको वो फायदा लग रहा है? देखो फायदा तो सरकार के हाथ में है, वही देंगे सब कुछ। तो फायदा सरकार के हाथ में, अब देखना होगा कि सरकार फायदा देगी या नहीं सरस मेले का। हम पूरा हाल आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, स्टॉल्स हैं, अलग अलग स्टॉल पर आपको चलिए लेकर चलते हैं, और किस स्टॉल पर क्या कुछ खास है वो आपको साथ के साथ दिखाएंगे, क्योंकि पूरे मेले की रौनक यहाँ की जो चीजें हैं, जो स्पेशलिटी है, जो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो खूबसूरती हर स्टॉल पर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानते हैं। तो 12 दिन के लिए इस मेले का जो शुभारंभ है वो हो चुका है, तो इस मेले में आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो कुछ खरीदारी की है, क्योंकि बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें यहाँ पर लाए हैं लोग। हाँ खरीदारी की है, कान का लिए, जूती लिए। तो खरीदारी के पर्पज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ घूमने के पर्पज से भी आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरती, क्योंकि लेडीज लोगों को कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है। अलग अलग सूट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं, और अट्रैक्ट कह सकते हैं कि लोग जो है, लेडीज जो है यहाँ पर होती हैं, और बहुत अच्छा जो है लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, माहौल भी काफ़ी अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो स्टॉल है ना, ये लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सजना और गहने पहनना, ब्रेसलेट्स, ये जिस तरीके के झुमके हैं, ये पहनना लड़कियों को बहुत पसंद होता है, लेडीज़ को भी इनफैक्ट बहुत पसंद होता है, तो ये स्टॉल काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने लगाई हैं, कहाँ से आए हैं? सोनीपत से। जो ये पूरा आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, क्या मतलब लोग आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें, खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है जी, खरीदारी हो रही है जी, अभी तो कल से शुरू हुआ है, देखते हैं क्या होगा। तो 12 दिन तक मेला चलने वाला है? 12 दिन तक। खरीदारी हो रही है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और चारों तरफ आप एक बार देखिए कि क्या माहौल है, किस खूबसूरती से हर एक स्टॉल को सजाया गया है, और अलग अलग राज्यों से, जिस तरीके से मैंने कई बार बताया कि 15 राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन राज्यों की खूबसूरती आपको बखूबी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और पूरी खूबसूरती एक बार आप जो है यहाँ पर अगर आकर देखेंगे तो आपको खुद मजा आएगा, आप खुद इस मेले का लुत्फ उठाइए। आइए एक और खास चीज आपको दिखाते हैं, जहाँ पर उस खूबसूरती को देखकर आप शायद खुद को रोक नहीं पाएंगे। अभी नहीं, जब मैं आऊंगी। भाई खरीदारी तो सब कर रहे हैं, स्टॉल पे अलग अलग चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन एक पोर्शन आपको जरूर दिखाऊंगी। ये यहाँ पर ये जो लोग दूर दूर से आए हैं, प्रदर्शनियां इनकी ओर से लगाई जा रही हैं, लेकिन प्रस्तुतियां भी हैं। आप इस म्यूजिक को सुनिए और देखिए कि कितना शानदार ये म्यूजिक जो है बजा रहे हैं, और लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, खुद भी नाच रहे हैं। ये जो म्यूजिक है, जो धुन है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है, इनफैक्ट मेरा खुद नाचने का मन कर रहा है। कहाँ से आए हैं? हम जैसे पलवल जी, पलवल से आए हैं, और गांव बंचारी। तो जैसे 12 दिन ये मेला चलने वाला है, पहली बार इसका आगाज यहाँ पर पंचकुला में हुआ है, तो क्या लोग यहाँ पर आपके धुन को, आपके इंस्ट्रूमेंट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं? हाँ जी बढ़िया तरह जी, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। ये जिस तरीके से पूरा आपका सेटअप है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए।
ये हमारा नगाड़ा पार्टी है, हम इसको बजाते हैं, लोग इस पर नाचते हैं, गाते हैं, ब्रज की रसिया भी गाते हैं, लोग इस पे झूमते हैं, मेले में आकर के आनंद लेते हैं। तो अभी जैसे कि अभी दो दिन ही हुए हैं, पूरे 12 दिन का मेला है, तो क्या लगता है जिन उम्मीदों से आए हैं कि लोग इंजॉय करें वो सब हो पाएगा? देखो ऐसा है, हम तो उम्मीदों से आए हैं, अब लोगों के बारे में लोग जाने वो कितना नाचते हैं, कितना घूमते हैं, मेले में तो हम आनंद लेने के लिए आते हैं, आनंद लेवाने के लिए आते हैं पब्लिक को, अब लोग जाने उनकी बारी में। अभी आपने धुन सुनी, धुन के साथ साथ बहुत अच्छा आपने नाचा, क्या आप कुछ गाना बजाना भी होता है? हाँ जी, रस्सी आप सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही शानदार आपने गाया। होली आने भी वाली है और होली को लेकर इन्होंने बहुत खूबसूरत रसिया गाया। चलिए उम्मीद करेंगे कि लोग इसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते रहें। और यहाँ पे एक टॉय सेक्शन भी है बच्चों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लेडीज को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स है, वैसे बच्चों को लुभाने के लिए भी यहाँ पर खिलौने जो है वो लगाए गए हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कार्टून आते हैं उसी तरीके के खिलौने यहाँ पर बनाए हुए हैं, और बहुत अलग तरीके के मार्केट से अलग ये खिलौने यहाँ पर बनाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं, टॉयज के साथ साथ ये गमले हैं, गमलों में मतलब इनमें आप फ्लावर्स लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, और घर की खूबसूरती ये बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ाएंगे, और कोई भी अगर आपके घर में आएगा तो इसे पसंद जरूर करेगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? लुधियाना। काफी सुंदर आपकी ये चीजें हैं, और लोग क्या पसंद कर रहे हैं यहाँ पर आके? जी बहुत सी चीजें पसंद कर रहे हैं, बहुत सी चीजें पसंद करते हैं। बिक्री कैसी हो रही है? अभी तो आज पहला दिन है, अभी तो आज भी नहीं। हाँ जी, तो सुना आपने कि पहला दिन है, लेकिन उम्मीद है लोगों को कि जिस तरीके से पहली बार यहाँ पर मेले का आगाज किया गया है, 12 दिन तक मेला चलेगा, तो भीड़ आएगी, लोग देखेंगे और मेले का लुत्फ भी उठाएंगे। तो इसी के साथ और भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरे मेले की शान बढ़ाई गई है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, 15 राज्यों से, और अलग अलग जो है सबने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है, अपने राज्य की खूबसूरती को यहाँ पर बिखेरने की पूरी कोशिशें जो है वो की गई हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लकड़ी से बना हुआ ये पूरा सामान है, और ये जो है आपके घर की खूबसूरती को बहुत अच्छा और चार चांद लगाएंगे। बहुत मतलब अलग तरीके की वैरायटी है, और शायद आप तस्वीरों को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो चीज़ें देखने में इतनी खूबसूरत हैं, अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आपका खरीदने का मन बेशक करेगा। और जिस तरीके से हाथ से बनाई हुई ये चीज़ें हैं, और इस मेले का फोकस जो है वो लेडीज़ को लेकर किया गया है, लेडीज़ जो है, महिलाएँ जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिले। चलो, खूबसूरती का एक और बहुत सुंदर नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसे देखकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे खरीदारी करने से। ये देखिए आप, ये हाथ से बनाई हुई तस्वीरें हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, और कितने प्यारे तरीके से, कितनी सुंदर कलाकारी जो है वो की गई है, और इसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्यार से और कितने मन से, कितने दिल से इसे बनाया गया होगा। और इसी के साथ पूरी तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कि हाथ से बनाई हुई ये चीजें हैं, हस्तकलाकारी यहाँ पर की हुई है, भगवान कृष्ण मुरली लिए यहाँ पर खड़े हैं, और वास्तविकता यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कितने मन से जो है इस मेले की तैयारी लोग करके आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं, और आप इसका जीता जागता सबूत देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदा ये बनाया जा रहा है, इसे खूबसूरती से तैयार किया जा रहा है। सर कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से आए हैं ये लोग, और बहुत खूबसूरती से इसे बनाया जा रहा है। तो बहुत जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये आप बना रहे हैं, मध्य प्रदेश से आप लोग आए हैं, पहला दिन है, और आपकी खूबसूरती को देखकर मुझे नहीं लगता कि लोग रुक पाएंगे, तो कितनी उम्मीद है कि लोग खरीदारी करेंगे? नहीं मैडम, इससे मैं आंध्र प्रदेश से आया, इसका पहले बार आया, इसका लकड़ी का मूर्ति है, इसका बालाजी है, कृष्णा है, और मैनाज कल्याण है, और सरस्वती है, गणेश है, सब पैनल्स है, इंजुरी फिगर्स है, सारा आइटम लेकर आया। आपका दो दिन हो गया अभी तक। वैसे अगर बात करें इससे पहले लोगों का कैसा रुझान रहता है इसे खरीदारी करने में, क्योंकि बहुत सुंदर आपने ये मूर्तियां बनाई हुई है, कितने लोग आपके साथ आए हैं जो इन्हें बना रहे हैं? मेरे साथ है दो आदमी आया था, इसका वो इसका पॉलिश क्रिश पूरा लगे आप लगा रहे, आपका पब्लिक आएगा, ले जाएगा, पब्लिक
आएगी और आने से मुझे नहीं लगता खुद को रोक पाएगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से इन्हें बनाया गया है और आप खुद देख सकते हैं कि पूरा प्यार इसमें देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर खरीदारी करें आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत ये चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता मतलब हर कोई इस खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो आपको कैसा लगा? एक्चुअली आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर, सो आई हैव गॉट ऑल, आई मीन आई एम लाइकिंग फॉर ऑल दिस स्टफ। यहाँ पर आकर इन तस्वीरों को देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। तो क्या कुछ खरीदारी, क्योंकि पहली बार इस मेले का आगाज हुआ है, 12 दिन तक ये मेला चलेगा, क्या कुछ खरीदारी सोच कर आएंगे? इनफैक्ट एंटीक आइटम्स ही आई एम प्लानिंग कि हाँ जी ये मैं लेती हूँ। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए, तो कह सकते हैं अलग अलग राज्यों की खूबसूरती यहाँ पर बिखरी हुई है जो समेट सकते हैं हम। राइट, यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लोगों का रुझान आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं और खरीदारी भी अच्छी खासी कर रहे हैं, और फिलहाल तैयारियां अभी भी चल रही हैं क्योंकि अभी शुरुआत हुई है सिर्फ मेले की और 12 दिन तक ये मेला चलने वाला है। तो मेले की तैयारियां पूरी है यहाँ पर और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको दिखाएंगे, मेले को देखते हुए सफाई का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है ताकि गंदगी कहीं पर ना फैले, क्योंकि लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं, कहीं पर भी खूबसूरती में कोई दाग ना लगे उसे देखते हुए सफाई के भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो सफाई को लेकर क्या कुछ जो है कितना अलर्ट है लोग यहाँ? बहुत अलर्ट है मैम, यहाँ सभी को एक बार बोल भी दिया गया है कि अपने अपने डस्टबिन रख लें, यहाँ पर नगर निगम साहब ने रिक्शा भेज रखा है कि सभी के स्टॉलों में डस्टबिन खाली करे जाए। नगर निगम भी अलर्ट है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से खूबसूरती में चार चांद लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं अपनी कलाकारी से, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से, तो उनमें दाग सफाई जो है गंदगी उनमें दाग ना लगाए उसे देखते हुए सफाई के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और एक बार मैं आपको मंच के पास लेकर चलती हूँ, क्योंकि इस पूरे मैदान में मंच भी है लगाया हुआ जहाँ पर साउंड सिस्टम लगाया हुआ है, इंतजाम किए हुए हैं म्यूजिक के, और ये नज़ारा तो दोपहर का है और शाम को सोचिए कितना मज़ा यहाँ पर आता होगा। शाम के वक्त लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, लुत्फ उठाते हैं, पहले दिन में ही लोग इतना पसंद कर रहे हैं इस मेले को। तो 12 दिन तक अभी ये मेला चलने वाला है, लेडीज़ के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं यहाँ पर है, पूरा मंच आपके सामने है, काफ़ी बड़ा मंच यहाँ पर तैयार किया गया है, तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कुर्सियाँ हैं वो मैदान में लगा दी गई हैं और अपना कल्चर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो देखने को मिल रहा है। और ये तो रही मंच की बात, अब एक सेक्शन और बचता है जहाँ पर पूरा मेला घूमने के बाद हर कोई जाता है, और वो है खाने का सेक्शन। और खाने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको खाने में क्या क्या है और क्या क्या स्टॉल है वो दिखाते हैं। पूरा मेला घूमने के बाद अगर कोई ख्याल मन में आता है तो वो ख्याल आता है पेट पूजा का, और पेट पूजा करने के लिए हर कोई आता है इन स्टॉल्स पे, यानी कि खाना खाने के लिए। और हम स्टॉल नंबर 1 पे सबसे पहले आए हैं, पहला स्टॉल है, यहाँ पर जानते हैं क्या कुछ खाने के लिए इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ स्पेशलिटी है? हमारे 56 वैरायटीज ऑफ कुलचे, अमृतसर की फेमस डिशेस है जो हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। अमृतसर से आप आए? हाँ जी, हमारे यहाँ भी है, पंचकुला MDC में भी है, कई स्टॉल है तो जहाँ हम ये सर्व करते हैं लोगों की सर्विस के लिए। तो अभी तो पहला दिन है, 12 दिन तक मेला चलने वाला है, क्या लगता है पब्लिक आएगी? क्योंकि अमृतसरी कुलचों की अगर बात करें तो लोगों को काफी पसंद होते हैं इन्हें खाना। कई बार हमने दिल्ली वगैरह भी बाहर में भी स्टॉल लगाए हैं अपने, काफी सक्सेस रहे हैं वहाँ भी, और यहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे हम कल से देख रहे हैं काफी पब्लिक आ रही है हमारे यहाँ, खड़ी हो रही है, और हमारे कुलचे न्यूट्री जो अमृतसर की स्पेशल चीज हम यहाँ लेके आए हैं इसका आनंद ले रहे हैं, और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है मैडम अभी तो। देखो भाई, मुझे लगता है कि अब आपके मुंह में भी जरूर पानी आ रहा होगा, क्योंकि अमृतसरी कुलचों की बात हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कुलचों के बारे में, मुझे लगता है कि आपको जरूर खाना चाहिए। पहला स्टॉल कुलचों का है और काफी अलग अलग तरीके की गोलगप्पों का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि लेडीज की कह सकते हैं कि कमजोरी कहीं ना कहीं गोलगप्पे होते हैं, उन्हें गोलगप्पे खाना बहुत पसंद होता है। आइसक्रीम के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, और कुछ लेडीज हैं हमारे साथ जो गर्मी में लुत्फ उठा रही हैं आइसक्रीम का। मेला यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है, पहला दिन है, आइसक्रीम खा रहे हैं आप, तो सबसे आखिरी काम होता है ना पूरा मेला घूमने के बाद, अब पेट पूजा कर ली जाए। तो मेला घूम के कैसा लगा? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम बाद
पंचकुला में इतना बड़ा मेला लगा तो बहुत अच्छा लगा। अगला स्टॉल है राजस्थानी रेस्टोरेंट है, मतलब कि अलग अलग वैरायटी आपको खाने को मिलेगी। और ये सब देखकर हम जो कह सकते हैं कि आपका जो मन है जरूर ललचाएगा, राजस्थानी डिश है ये। तो कहाँ से आए आप? ये स्पेशलिटी बताइए क्या कुछ यहाँ पर आपने बनाया हुआ, क्योंकि देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है जी। यहाँ जैसे स्पेशल राजस्थानी थाली है उसमें बाजरा रोटी, मिस्सी रोटी, केर सांगरी, मूंग की दाल का हलवा और लहसुन की चटनी, चूरमा का लड्डू, ये सब कुछ होगा थाली का होगा। स्नैक्स में जैसे प्याज वाली कचौरी है, जोधपुरी मावा कचौरी है, मूंग दाल कचौरी, मिर्ची बड़ा, पकौड़ी, जलेबी, मारवाड़ी केसरिया कुल्फी, ये सब कुछ है मैम। तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप देखकर अपना मन जो है ललचाने से रोक नहीं पाएंगे। तो सर क्या खरीदारी कर रहे हैं आप? मैं ये कचौरी, प्याज की कचौरी है। तो मतलब वैसे कचौरी अमूमन हम खाते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है ये कचौरी का जो स्वाद होगा अलग होगा? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है? हाँ, अलग ले रहा हूँ भाई। मतलब देखिए अलग टेस्ट है, अलग चीज़ है, इसलिए लोग खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें रोज़ाना में चीज़ें देखने को मिलती हैं, खाने को मिलती हैं, वो तो हम खाते ही हैं, लेकिन ये जो एक मौका मिला है अलग अलग राज्यों की अलग अलग चीज़ें खाने का, वो क्यों छोड़ा जाए, उसे तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पर हम बिहारी व्यंजन यानी कि बिहार के खाने का लुत्फ भी उठाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? बिहार पटना से आया हूँ। पटना से आए हैं, तो अपनी ये जो आपने डिशेस लगाई हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और खाने का मन तो बिल्कुल कर रहा है, इनके बारे में बताइए। बिल्कुल मैडम, एक बार हमारे यहाँ टेस्ट कीजिए। मैं पंचकुला शहर में पहली बार आया हूँ। ये बिहार का ट्रेडिशनल खाना होता है, लिट्टी चोखा कहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी वीआईपी गेस्ट आते हैं ये खिलाया जाता है, लिट्टी चोखा। हरियाणा आए और हरियाणा के गोहाना की अगर जलेबियाँ नहीं खाई तो सोचिए कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मीठे में ज्यादातर लोगों की पसंद जलेबी होती है और मुझे खुद जलेबी खाना बहुत बहुत पसंद है। गोहाना के स्टॉल पर हम हैं जहाँ की जलेबियाँ बहुत ज्यादा मशहूर है, ना सिर्फ स्वाद के मामले में बल्कि इनका साइज भी और जलेबियों से काफी बड़ा होता है। और यहाँ की जो जलेबियाँ होती हैं उसका अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया, उसे खा लिया, तो आपको बार बार इस जलेबी को खाने का मन करेगा। साइज आप देखिए और जलेबियों से इसका साइज काफी बड़ा है, लेकिन इस टेस्ट में उतनी ही ज्यादा स्वाद होती है। तो गोहाना की जो जलेबी है काफी ज्यादा फेमस है, क्या अलग किस तरीके से और जलेबी? मैडम ये अलग तरह से बनाई जाती है और इसमें मैदा और बेसन डलता है और इसका खमीर 24 घंटे पहले तैयार किया जाता है और इसका टेस्ट भी अलग होगा और ये 10-15 दिन खा लो खराब नहीं होती बिल्कुल भी। और मंत्री भी बहुत खाते हैं, गोहाना से मंगाते भी हैं और हम बहुत तक आए थे अमित शाह जी, वहाँ भी हम 3 दिन के खाने के लिए गए थे, जलेबी बनाई थी हमने वहाँ पे और इस खा के देखो आप। अमित शाह जी जब आए थे तो उनकी रैली में भी ये जलेबियाँ बनाई गई थी और आप जलेबी का साइज देखिए बहुत बड़ा साइज है, बल्कि कई लोग घबरा जाएंगे कि इतनी बड़ी जलेबी खाएं कैसे, लेकिन जब आप इस जलेबी को खाएंगे टेस्ट करेंगे वाकई ये जलेबी बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। और अगर आप यहाँ आएंगे और अगर आपने ये जलेबी नहीं खाई तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि मेले में आने के बाद आप कुछ ना कुछ मिस जरूर कर देंगे, तो आइए और ये जलेबी बहुत 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 टेस्टी है, इसे जरूर खाइए। तो पूरा मेला हमने आपको दिखाया, क्या कुछ मेले में खास है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से स्टॉल है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो मेला देखकर मुझे लगता है कि आपका मन भी जरूर होगा कि आप इस मेले में आए, इस मेले का लुत्फ उठाएं। तो खाना हमने खा लिया है भरपेट, उसके बाद मीठा भी खा लिया है, जलेबी भी खा ली है, और मेले की रौनक जो थी, जो बाहर से आए हुए राज्य के लोग हैं जो अपनी हाथों से बनाई हुई सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर लेकर आए हैं, सभी कुछ हमने आपको दिखाया है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि पेट पूजा के बाद, मीठे के बाद अब वक्त हो गया है हमें इजाजत देने का, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जरूर इस मेले में एक बार आए, क्योंकि पहली बार इस मेले का आयोजन किया गया है, 12 दिन तक ये मेला चलेगा, तो आप जरूर आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए और इस मेले में घूमिए और मेले में हर चीज को देखिए, खाने पीने का लुत्फ उठाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट बलजिंदर के साथ मैं नेहा वालिया, खबरें अभी तक।